देखिए, कांग्रेस ने नैतिक रूप से जरूर इस पूरे बंद को समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपनी ओर से अपील जरूर की है कि इस बंद को सफल बनाएं। व्यापारी जो कि कैट से जुड़े हुए हैं, वो लगातार बंद को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, और इसका असर मुख्य बाजारों में फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह 10 बजे से ही दुकानें खुलती हैं, तो जो मुख्य बाजार हैं वो फिलहाल बंद दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कैट के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, कांग्रेस ने समर्थन जरूर दिया लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका भी असर हुआ है? जो छोटे बाजार हैं वो खुले हुए हैं? नहीं, छोटे बाजार खुले हुए हैं, लेकिन जो वो अपने रोजमर्रा वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इनको तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक उनकी भी रोज कमाना रोज खाना वाला, वो इफेक्टेड नहीं है। इफेक्टेड जो व्यापारी है अभी, वो जीएसटी के कड़े प्रावधान जो आ रहे हैं और आ गए हैं, उसके खिलाफ हम लोग का ये एक जागरण अभियान है कि हम भारत बराबर, हमने ज्ञापन दिया, सबसे मुलाकात की, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में जो इतने कंप्लाइंसेस है, व्यापारी दो आदमी कंप्लाइंसेस में लगते हैं, तो आदमी व्यापार करेगा कि कंप्लाइंसेस करेगा, उसी कागजी पुखाना। बंद का क्या असर देखने को मिल रहा है? अभी तक संपूर्ण बंद है, और हमारे लगभग 98 एसोसिएशन ने हमको पूर्ण समर्थन दिया है, वो बंद रखेंगे। सराफा व्यापारी अलग हो गए, बताएं। सराफा व्यापारी का एक मतलब उसमें कुछ लोग है जो वो ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि बंद नहीं है, हालांकि सराफा छत्तीसगढ़ सराफा पूरा हमारे को बंद का समर्थन दिया है, और सराफा में भी दो फाड़ हो गए हैं। अब वो आधा हमको बंद दे रहे हैं, आधा नहीं दे रहे, ये अपने हिसाब से। तो छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, और जो कैट से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, कुछ और पदाधिकारी उनसे बातचीत करते हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ जगह दुकानें खुली हुई हैं, क्या बंद को समर्थन मिल पाएगा और आप लोग का आगे का क्या प्रदर्शन करोगे? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर का हमारा आह्वान था, और छत्तीसगढ़ में माननीय अमर परवानी जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के जो मुख्य बाजार है वो बंद है, और जो जीएसटी के जो कड़े प्रावधान हैं उसके विसंगति हम लोगों ने अपील किया है, और उसका हमको भारी सफल मिल रहा है। हम जयस्तंभ चौक में खड़े हैं, और जयस्तंभ चौक पूरी तरह से बंद है, मालवीय रोड पूरी तरह से बंद है, बंजारी रोड बंद है, MG रोड बंद है, और जहाँ पे हम लोगों ने अपील किया है व्यापारियों से हाथ जोड़कर, और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उनका भी आज हमको समर्थन मिला है। तो आपने देखा कि व्यापारी लगातार बंद के लिए निकल रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि बंद सफल हो, और इसके लिए अभी से लोगों के बीच और व्यापारियों के बीच जाने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने भी इसे समर्थन दिया है, इसलिए जो असर है वो ज़्यादा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना है। जी बिल्कुल मोहन, तो देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बंद का असर